वेलकम बैक टू द चैनल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साइड से एनटीए के साइड से रिसेंट में 3 नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए, उन्हीं के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। एंड क्या यहाँ पर रिसेंट अपडेट है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर जो नोटिस है वो आ चुका है, आप लोग चैलेंज कर सकते हैं आंसर की को, या फिर आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है उसको भी आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स को, डिस्प्ले ऑफ स्कैंड इमेजेस, उनको भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूं। तो यहां पर एंट्रेंस एग्जाम 12 सितंबर को कंडक्ट किया गया था एंड यहां पर एनटीए ने अभी रिलीज कर दिया है प्रोफेशनल आंसर की एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एज वेल एज स्कैंड ओएमआर कॉपी, सब कुछ आप लोग ले सकेंगे। लिंक अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज neet.nta.nisc.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग जो है डायरेक्ट ले सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने लिंक भी दे रखा, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहां पर इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कर सकते हैं। स्कैंड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट हैज़ बीन ऑलरेडी सेंड, काफ़ी बच्चों के पास ओएमआर जो है स्कैंड फॉर्म में भी यहाँ पर ईमेल के थ्रू भी भेज दी गई थी। एंड जिनको भी कोई दिक्कत है, जिनको भी ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ भी ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर जो है चैलेंज कर सकते हैं एनटीए को। कैसे करना चैलेंज, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं चैलेंज, इफ़ आप लोगों को आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत लगती है तो प्रोसेसिंग की फ़ीस 1000 पर आंसर चैलेंज आप लोगों की लगने वाली है। एंड जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 अक्टूबर है एंड लास्ट डेट 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर जो है 9 PM तक आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज इफ़ टू रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, अगर आप लोग रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को चैलेंज करते हैं तो उसके 200 रुपये आप लोगों के लगेंगे पर क्वेश्चन अगर आप लोग चैलेंज कर रहे हैं। द पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी, आप लोग ये जो पेमेंट कर रहे हैं वो आप लोग डेबिट क्रेडिट कैसे भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो पर्टिकुलर निर्धारित समय है, इसके बाद कोई भी चैलेंज जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये है कंप्लीट अपडेट। एंड 17 अक्टूबर के बाद कोई भी चैलेंज यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट होगा जो 9 PM है उसके बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है कंप्लीट प्रोसेसर, मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज neet.nta.nisc.in। यहाँ पर आप लोगों को आंसर की चैलेंज पे क्लिक कर देना है एंड देन आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, टेस्ट बुक को लॉगिन करना है, अपने एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन आप लोगों को जो डिस्प्ले होगी आप लोगों को वो भर देनी है एंड आप लोगों को सबमिट कर देना है। देन यू विल सी द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द सीक्वेंस, आप लोगों को क्वेश्चंस दिख जाएंगे नीट यूजी 2021 के 50 50 50 + 50 क्वेश्चंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जियोलॉजी के जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड द नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द थेम सेट अप्रोप्रिएट आंसर टू बी यूज बाय एनटीए। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना है। इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज द एनी वन और मोर ऑप्शन गिवन इन द नेक्स्ट 4 कॉलम बाय क्लिकिंग द चेकबॉक्स। आप लोगों को ऐसे टिक वाला चेकबॉक्स मिलेगा, आप लोगों को उस पर क्लिक करना होगा। यू मे वॉन्ट टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सेलेक्ट द चूज फाइल एंड अपलोड। ठीक है, तो आप लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। आइस पे क्लिक करने के बाद डिजायरे पर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव कर देना अपने क्लेम को एंड नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर लेना है। आप लोग देखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जो है अपना जो चैलेंज है वो डिस्प्ले हो गया है। क्लिक ऑन सेव योर क्लेम एंड पे फी फाइनली, तो आप लोगों को सेव कर देना क्लेम एंड फीस को फाइनली जो है पे कर देना है। एंड सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट एंड सेट प्रोसेसिंग 1000 फॉर द ईच क्वेश्चन चैलेंज। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर मैं फीस बता चुकी हूँ 1000 पर क्वेश्चन चैलेंज यहाँ पर रहेगी। आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आप लोगों को निकल जाएगा, जो अपना रिसिप्ट रहेगा उसका प्रिंट आप लोगों को निकलवा लेना है। तो अभी देखते हैं ओएमआर को चैलेंज का क्या यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेसर रहेगा। तो सेम आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन हो जाइए, ओएमआर चैलेंज आप लोगों को लेफ्ट पेन पे दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, चैलेंज लिंक पे क्लिक कर दीजिए एंड देन सेम यहाँ पर आप लोगों को सीक्वेंस दिख जाएगा, आप लोगों को सेम वैसे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर क्वेश्चंस अंडर द कॉलम आप लोगों को कैप्चर रिस्पॉन्स एज पर ओएमआर स्टैंड
फॉर द ऑप्शंस ओवरटेड बाय द कैंडिडेट इन OMR, ठीक है। तो आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है, क्लेम पे क्लिक कर देना है। एंड अगर आप लोग जो है इसको सेव करना चाहते हैं तो आप लोग इस पर सेव करें, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग जो है चैलेंज कर सकते हैं। सेम वैसे ही आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, सबमिट कर दीजिए, नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे, पे कर देंगे फीस, एंड यहाँ पर फीस 200 रहने वाली है। तो सेम यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो रहने वाला है। आई थिंक मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर पाई होंगी। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।